निशा ने जहर पी लिया है, हम हॉस्पिटल में हैं। अगर इस महीने की सैलरी चाहिए ना तो वापस आ जाए। सैलरी? दरवाजा बंद करो। हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, वो हमारी नौकरी चली गई। दी जानकी, तेरी नौकरी चली गई? बेटा तू पता ही नहीं हमें। मैं क्या बताते, कैसे बताते? आप कौन सा कांड करके आई हो जो वो लोग तुमको नौकरी से निकाल दिए? माँ हमने गलत नहीं किया, गलत हमारी दोस्त के साथ हुआ था। उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया। गजब, घर तो संभालता नहीं, समाज सेवा करेंगी। हम तुमको अभी बोलते हैं, अभी के अभी जाओ, माफी मांगो और उनसे नौकरी वापस लो। और एक बात जानकी, तुमको नौकरी मिले या ना मिले, निशा का शादी नहीं हुआ ना और उसकी डोली इस घर से नहीं उठी, तो हम बता रहे हैं कि इस घर में से किसी ना किसी की अर्थी उठेगी। मगर हर्ष का कुछ कीजिए, दो बार फंसते फंसते बचे हैं, अगली बार अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया सारा का सारा राज खुल जाएगा। माँ तो कुछ चमत्कार कर दीजिए, प्लीज हमें सारी परेशानियों से निकालिए। अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, पर आप हमारे परिवार को बचा लीजिए माँ, प्लीज। क्या नाम है उसका? अरे उसका नाम पूछ रहा हूँ जिसने ये ईमेल भेजा है। जानकी, ठीक है? पापा, हर्ष को आज कई बार पकड़ने से बचा है। वो एडिटर पीछे ही पड़ गया था हाथ धो के। एक बार तो ऑलमोस्ट वो एडिटर ने उसे पकड़ ही लिया था। अरे शांत नहीं बैठे होंगे लोग, अभी भी यहीं ताक झांक कर रहे होंगे। हर्ष का राज कभी भी खुल सकता है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हर्ष की रेपुटेशन को हम बर्बाद होने नहीं देंगे। किसी तरह ये किस्से को खत्म करना ही पड़ेगा। राजेश जी, गाने निकालो, आज ही हम दरभंगा जाएंगे। दरभंगा? वाह वाह, क्या है? अरे एक बार जो बात कह देते हैं उसे दोबारा दोहराते नहीं है हम। और सविता जी, तुम चिंता मत करो, हर्ष का मैटर हम सॉल्व करके ही आएंगे। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारे ईमेल की वजह से ना सब गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तुम कहो, तुम ऑफिस आ सकते हो क्या? अशोक हम अभी नहीं आ सकते। अगर इस महीने की सैलरी चाहिए ना तो वापस आ जाए, वरना भूल जाइए पैसे। सैलरी? अशोक, जानकी आ रही है ना? हाँ सर, शी इज कमिंग। मैंने सुना है कि तुम्हारा और जानकी का कुछ? नो सर, नो सर, हम लोग, शी इज माय कलीग। श्योर? यस सर। आ गई तुम्हारी कलीग, आइए मिस जानकी, आइए। चले केबिन में? पर केबिन में क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा यहां इंतजार कर रहे हैं। राम सर, तुमने ईमेल भेजा था उसके लिए बात करनी होगी। जाओ। दरवाजा बंद करो। बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हो क्या? नहीं सर। तो घर में आपके अलावा कौन कौन कमाता है? सर केवल हम ही कमाते हैं। तुम अकेली कमाती हो? जी। अकेली कमाती हो और फिर भी आपने अपने बॉस की कंप्लेन उसके बॉस से की? इतनी जरूरतमंद होने के बावजूद तुमने समझौता नहीं किया? क्या समझूं मैं आपको, समझदार या बेवकूफ? आपको हमें जो समझना है समझिए, पर हमारे लिए तो वो ईमानदारी थी। हाँ
मेरे बेटे हर्ष की पत्नी बनोगी तुम? हम हर्ष के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं जो ईमानदार हो और जो रिश्तों की अहमियत को समझ सके। थैंक यू, आपने हमें हर्ष सर के लायक समझा, पर हम खुद को ही उनके लायक नहीं समझते। सर गलत मत समझिएगा हमें, वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जिसकी शादी हर्ष सर के साथ होगी, लेकिन हम खुद को उनके लायक नहीं समझते, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, एक मिनट रुको। ये लो, रख लो। एक ही दिन में एक अच्छी बहू और एक अच्छी एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। और एक बात, बाहर जाते वक्त शाम को दे देना। और मैंने जो कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। थैंक यू सर, हमारी जॉब वापस देने के लिए। क्या बोला राम सर ने? सर वो ये लेटर आपको देने के लिए बोला है। What? ये तो मेरा टर्मिनेशन लेटर है। अशोक सर आपको कैबिन में मिला है।